90 के दशक में आई धार्मिक सीरियल रामायण के जो रावण थे, आज बताएंगे आपको अरविंद त्रिवेदी जी के बारे में। आखिर उसका जन्म किस राज्य में हुआ था? अरविंद त्रिवेदी जी रावण का किरदार निभा चुका है और इसका जन्म 8 नवंबर 1937 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। असल जिंदगी में राम के भक्त अरविंद का बचपन मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीता, लेकिन वो गुजरात में ही पले बढ़े। उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई मुंबई के भवंस कॉलेज से की थी और ये शाम को रामलीला देखने जाया करते थे। उन्हें रामलीला देखना बहुत ही पसंद था। इनके बड़े भाई जो उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्म के जाने माने एक्टर थे, उनके बड़े भाई की तरह ही अरविंद त्रिवेदी जी ने एक्टर बनने का फैसला किया और शुरुआती दिनों में ये अपने गली मोहल्ले में ही रहे रामलीला में एक्टिंग किया करते थे और लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती थी। और जब ये किसी भी किरदार को करते थे तो लोग भी तालियां बजाने से चूकते नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी जी ने रंगमंच पर काफ़ी दिनों तक काम किया और रंगमंच पर उन्होंने अच्छा नाम भी कमाया। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जवाहर। वंदे मातरम। धन्यवाद।